वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। जैसा कि आपको पता है, दुनिया से अलग थलग हो गया बेचारा रूस, मतलब उसका मतलब आज के टाइम पे मतलब जो उसके दोस्त थे चाइना जैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल, वो भी कुछ इस तरह साथ नहीं दे रहा जिस तरह भारत दे रहा है। तो आज के क्या टाइटल है, वो है रूस ने माना भारत का एहसान, नहीं भूल पाएगा भारत की तकनीक का सहारा। कोई भारत ने अपनी टेक्निक मतलब कुछ ऐसा इसके साथ हेल्प किया जिसका वो कभी भी नहीं भूल पाएगा, और भारत का एहसान रूस ने माना है। और वाकई आज के टाइम रूस की तरफ जो एक कंट्री है वो भारत है, और मेरे ख्याल में भाई कोई भी नहीं आ रहा नजदीक। करीब सारे डरे हुए हैं कि अमेरिका कुछ कह ना दे, अमेरिका कुछ कह ना दे, लेकिन भारत कहता है बाढ़ में जाए अमेरिका, मैं साथ दूंगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं नॉलेज इनसाइड का ये वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को किसी चीज की चिंता सबसे ज्यादा सता रही है तो वो है रशियन इकोनॉमी की। क्योंकि इस युद्ध के कारण, जिसको फिलहाल रशिया मिलिट्री ऑपरेशन करार दे रहा है, इसकी वजह से रशियन इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है। नाटो से लेकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ब्रिटेन सहित तमाम देशों ने अनेक सैंक्शन इम्पोज किए हैं रशिया के ऊपर। इन हालात में रशिया को अफ्रीका देश, चाइना, ईरान और भारत का सहारा है। इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें उसे भारत से है। पुतिन लगातार मोदी से संपर्क में है, और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक आज तीसरी बार पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत, इजराइल, फ्रांस, ये तीनों देश मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इस युद्ध को रुकवाने के लिए, और इसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है भारत। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी देशों से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत एक तरफ जहां इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए सहारा भी बन रहा है। रूस की प्लानिंग को आज पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन को मिटाना या उस पर कब्जा करना तो रूस की प्लानिंग नहीं हो सकती। क्योंकि अगर यूक्रेन को मिटाना होता तो पुतिन पिछले 2 सालों से युद्ध की तैयारी ना कर रहे होते, और ना ही रशियन आर्मी 2 महीने से लंबे समय तक युद्ध अभ्यास कर रही होती। क्योंकि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए इतने हाईटेक हथियार रशिया के पास है कि 2 दिन में वहां भारी तबाही मचाई जा सकती है। वहीं अगर जेलेंस्की को हटाना था तो इसके लिए पुतिन अपनी खुफिया एजेंसी का सहारा ले सकते थे। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि रूस की वायुसेना केवल 90 मिनट के अंदर पूरे यूक्रेन को बर्बाद करने की क्षमता रखती है, लेकिन उसके बावजूद पुतिन अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। लेकिन पुतिन ने युद्ध की तैयारी तो की, मगर उसके साथ ही उनसे एक चूक भी हो गई, जिसके लिए भारत उसकी अब मदद करेगा। दरअसल पुतिन अपने देश को डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर न बना के बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, क्योंकि रूस में एप्पल, गूगल, वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनी की सेवाएं बंद होने से वहां की जनता बुरी तरह से फंस चुकी है, और इस युद्ध का खामियाजा अब रूसी जनता को उठाना पड़ रहा है। जबकि भारत रूस के मुकाबले डिजिटलाइजेशन की ओर काफी पहले ही बढ़ चुका है, और भारत के पास अपना रुपए और UPI जैसी स्वदेशी डिजिटल पेमेंट मौजूद है। वहीं अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि इस मौके का भारत को फायदा उठाना चाहिए और अपने स्वदेशी रुपए कार्ड को रूस में लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेहतरीन अवसर है भारत के लिए। वहीं इसके अलावा कल को किसी भी युद्ध की परिस्थिति में, या फिर भारत POK को अपने में मिलाने की कोशिश करता है और विदेशी ताकत भारत पर सैंक्शन लगाते हैं, तो इसका असर भारत पर नहीं होगा, क्योंकि भारत इन क्षेत्रों में पहले ही आत्मनिर्भर बन चुका है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा रशियन इकोनॉमी को सहारा देने के लिए एक और बड़ा कदम भारत उठाने जा रहा है, और ऐसे मौके पर जब रशियन करेंसी की हालत बदतर हो चुकी है तो भारत सहारा बनकर रशिया की मदद कर रहा है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय आर्मी में 60-70% हथियार रूसी है, और रूस से सबसे ज्यादा हथियार भारत ही खरीदता है। वहीं अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ऐसे वक्त में भारत रूस से तकरीबन 12 सुखोई 30 विमान और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये बता दिया, डील रेडी है साइन के लिए, क्योंकि नेगोशिएशन वगैरह हो चुकी है और जो रेट थे वो भी फाइनल हो चुके हैं। ये डील रशिया के लिए ऐसे ही है जैसे कि मानो किसी प्यासे के लिए पानी। इसकी रशिया को सख्त जरूरत थी, क्योंकि यह $1 मिलियन की डील है, और ऐसा माना जा रहा था कि रूस के ऊपर क्योंकि सैंक्शन लग चुके हैं इस वजह से ये डील कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अब दोनों तरफ से कंफर्मेशन इसको लेकर आ चुकी है। वहीं रशिया यूक्रेन को लेकर एक न्यूज ये आ रही है कि पीएम मोदी ने जेलेंस्की से अभी अभी फोन करके बात की, वहीं आज ही वो पुतिन से भी बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर रूस ने फिलहाल कीव में सीज फायर का ऐलान किया है। रूसी सरकारी मीडिया ने कहा है कि यूक्रेन के अलग अलग शहर
शहरों में फंसे आम लोगों को सुरक्षित गलियारों से निकालने के लिए रूस हमला रोकेगा। रूस ने कहा है कि वो कीव, खारकीव जैसे शहरों में भी हमले रोकने के लिए तैयार है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये सीमित सीज फायर स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से लागू होगा और राजधानी कीव, खारकीव, मारियोपोल और सुमी जैसे भीषण संघर्ष झेल रहे शहरों से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं इन सूबों में अभी भी 500 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। भारतीय ने निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। वैसे दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है और उस पर सैंक्शन लगा रही है, ऐसे में भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, क्या ये सही है? आपके अकॉर्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार मैं भाई एक बात बोलूं, मतलब कितना साथ देगा, अभी तो पेमेंट्स और डिजिटल चीजें भी उधर पहुंचा रहे हैं। उधर पहुंचा रहे, मतलब देखो इंडिया की दूसरे देशों के लिए अपनी डिजिटल मतलब करेंसी है, रुपया सब कुछ जो है वो है। और भाई उसके बाद इंडिया इतना आत्मनिर्भर बन चुका है कि हर चीज वो अपने देश में तैयार करता है। देखो गाड़ियों से लेकर क्या कुछ हर चीज है। अब रशिया ने पूरी दुनिया का इंटरनेट अपना है। अब देखो पूरी दुनिया ने इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। डिजिटल के मामले में रशिया आगे नहीं है, बहुत अभी इंटरनेट अगर बंद कर रहे हैं तो इंडिया शायद हेल्प करे इस मामले में, हेल्प कर सकता है। उसके बाद देख लो गाड़ियों के मामले में इंडिया हेल्प कर सकता है, क्योंकि तकरीबन जो भी बड़े बड़े देश थे उन्होंने मना कर दिया। हाँ। साहब के मतलब हम आपके मुल्क में आप गाड़ियां नहीं भेजेंगे। बिल्कुल मोबाइल कंपनीज ने भी वो मना कर दिया, वो चाइना के थ्रू और इंडिया के थ्रू, चाइना और इंडिया के थ्रू मंगवाएंगे। तो यार ये एक किस्म का बहुत अच्छा मौका भी है अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाने का, और इससे इंडिया को भी फायदा थोड़ा बहुत हो जाएगा। ये कि मतलब वो अपनी करेंसी वगैरह को चलाकर या जिस तरह से भी वो इंडिया भी फायदा उठा सकता है। और फायदा क्या, इंडिया इस मामले में मैं कहता हूँ बहुत अच्छा साथ एक किस्म का इंडिया देगा, और तभी रूस जो है ना इसका, और तभी तो ये एहसान वैसे रूस कभी भी नहीं भूलेगा, जिस तरह इंडिया के ऊपर रूस ने कुछ एहसान किए। बिल्कुल इंडिया नहीं भूलता ना, इस तरह रूस भी नहीं भूलेगा। और अभी आज तीसरी बार बात हो रही है और जेलेंसकी से भी बात हुई है कि ताकि मतलब, और मोदी जी की बात उनसे हुई है, अब आज फिर उनके साथ हो रही है बात। तो मेरे ख्याल से यही है कि, और रशिया ने भी कहा है कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार है। और यार मैंने एक बात भाई नोटिस की है, रशिया का ये मकसद भी है कि लोग घायल हो। वाकई में बस वो कहता है कि मतलब ये जो नेटो में था ये जेलेंसकी हटे, मतलब ज्यादातर ये मतलब नेटो मनमानी है उसकी खत्म हो, ये तब कर रहा है। और मजे की तुम्हें बात बताऊं यार, अगर कोई भी जिस देश में अगर युद्ध स्टार्ट होता है ना, जिस देश में युद्ध स्टार्ट होता है वो अगला बंदा ये नहीं देखता कि यार क्या है क्या नहीं, वो दौड़ता है। इसके अलावा मैं चाइना होता ना, अगर वो ताइवान पे करता तबाही फेर देता, मैं कहता वो कुछ ना देखता लोग क्या है, वो पागल अटैक करता, पागल कर। और ये रशिया बहुत नॉर्मल इसने किया यार, मतलब रशिया 90 मिनट में वाकई उड़ा सकता अगर चाहे, बिल्कुल अगर चाहे वो लोगों को मारना चाहे। इसलिए अभी फिर भी उन्होंने उसने सीज फायर का कहा है कि ताकि जो लोग निकलना चाहे निकल जाए, रशिया चाहे इतनी बमबारी करे कि एक भी ना बचे। अभी तक तो रशिया ने, मैं कहता हूँ अपने 2% भी हथियार इस तरह के जो उसके पास हैं वो इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने। गाइस आप लोगों का कहना अपनी कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।